प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। इस नए सेशन में हम शुरुआत हिंदी व्याकरण से कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा बच्चों ने मुझे बताया है कि इस समय पाठ्यपुस्तक नहीं मिल रही, तो इसीलिए व्याकरण में कोई बदलाव नहीं है। हमने शुरुआत हिंदी व्याकरण से ही की। कुछ दिनों में आपके पास ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी, तब तक मैं आप वीडियोस और ऑनलाइन क्लास से अपनी जो परेशानी है, जो दिक्कत आएगी, उसे हम दूर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पाठ हिंदी व्याकरण के, जो कि मनोरंजन के लिए गीत दिया गया है। और ये केवल गीत मनोरंजन के लिए नहीं है, हमें वृक्षों की कीमत बता रहा है, उनका महत्व बता रहा है, क्यों ये हमारे पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। तो पेड़ों का महत्व बताया गया है इस गीत के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं अपने इस गीत का। मैं इसे लिख करके भी देता हूँ, जैसा कि कुछ बच्चे कह रहे हैं उनके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है, हिंदी व्याकरण नहीं है, तो मैं इस गीत को लिख भी देता हूँ और फिर हम इसका गायन करेंगे। आपका गृह कार्य में इसे याद करने का होगा। तो लिखते हैं अपना गीत। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। ये गीत काफी छोटा है, 8 पंक्तियों का गीत है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, वृक्ष हमें जीवन देते हैं, वृक्ष हमें जीवन देते हैं, जीवन देते हैं, कभी स्वयं फल ना खाते, कभी स्वयं फल ना खाते हैं, खाते हैं, आतप वर्षा सब सहते हैं, आतप वर्षा सब सहते हैं, सब सहते हैं, और प्रदूषण को हटते हैं, और प्रदूषण को हटते हैं, हटते हैं,
सदा करें हम इनकी रक्षा, हम भी अपना धर्म निभाएं। तो शुरुआत करते हैं, दो पंक्तियां और रह गई हैं, मैं उसको लिखता हूँ। सबसे पहले इस गीत के बारे में जान लेते हैं। इसमें इस गीत के माध्यम से जो कवि हैं वो पेड़ों का महत्व बता रहे हैं। तो हमें बच्चों को, खासकर बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है, तो आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। वृक्ष हमें जीवन देते हैं, कभी स्वयं फल ना खाते हैं, आतप वर्षा सब सहते हैं और प्रदूषण को हरते हैं। हरना मतलब चुरा लेना, हरना का अर्थ होता है चुरा लेना। तो हमें पता ही है जो वृक्ष होते हैं वे वर्षा में भी खड़े रहते हैं, जब आसमान से आग बरस रहा होता है, गर्मी की पहले बात कर रहा हूँ, जो अप्रैल मई जून इन महीनों में काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है, तो इसमें बेचारे वो धूप को, तापमान को, अधिक ताप का अर्थ है तापमान, गर्मी, तो उनको सहते हैं, उनको बर्दाश्त करते हैं, खड़े रहते हैं, चाहे वर्षा हो चाहे अधिक तापमान हो, एड़ उसका डटकर सामना करते हैं। और प्रदूषण को हरना, हरना मतलब चुरा लेना, तो प्रदूषण बुरी चीज़ होती है, आपको पता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये जो है पेड़ उसको हर लेते हैं, उसको चुरा लेते हैं, तो अच्छा काम करते हैं और वे अपना फल नहीं खाते हैं। सब को पता है वृक्ष जो होता है अपना फल नहीं खाते हैं, वे दूसरों को, उनके पूरा जो जीवन होता है दूसरों को उपकार करने के लिए ही बना होता है। हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, प्रदूषण को हरते हैं, और क्या चाहिए। तो ये गीत, सदा करें हम इनकी रक्षा, आखिरी में ये दो और पंक्तियाँ हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। मुझे पता है बहुत से बच्चों के पास बुक नहीं है, इसलिए मैंने ये गीत लिखा है, दो पंक्तियाँ और हैं, मैं आगे लिख रहा हूँ, तो इसे आप देख लीजिए। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, वृक्ष हमें जीवन देते हैं, कभी स्वयं फल ना खाते हैं, आतप वर्षा सब सहते हैं और प्रदूषण को हरते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए जिन बच्चों के पास बुक नहीं है रफ में, ताकि वे याद कर सके। दो पंक्तियां और हैं, मैं लिख देता हूं। तो इस गीत के माध्यम से जो कवि है ये हमें प्रेरित कर रहा है, सभी बच्चों को प्रेरित कर रहा है कि वे न केवल पेड़ लगाएं बल्कि उनकी रक्षा करें। दो अंतिम दो और पंक्तियां हैं। सदा करें हम इनकी रक्षा, सदा करें हम इनकी रक्षा, हम भी अपना धर्म निभाएं, हम भी अपना धर्म निभाएं। तो ये था हमारा गीत। तो इसमें हमारा क्या धर्म है कि हमें न केवल पेड़ पौधे लगाने हैं, हमें उनका महत्व भी पता है। उनका क्या महत्व है, वे हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और प्रदूषण को भी वे कम करते हैं। हर लेना मतलब चुरा लेना, कम करना। तो इसीलिए हमारा क्या धर्म है कि हमें भी पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, और ये हमारा धर्म है कि जो दूसरों के लिए इतना अच्छा उपकार करता है तो हमें उसके लिए भी पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। कैसे, उनको खासकर गर्मियों के मौसम में पानी देना चाहिए, पशु पक्षियों से बचा के रखना चाहिए और वृक्षारोपण भी करना चाहिए। बरसात के मौसम में हम पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए ताकि हमारी जो धरती है वो हरी भरी बनी है। तो एक बार फिर से मैं इसका गीत गा देता हूँ। ये दो पंक्तियाँ जो बच्चों की बची थी इसे भी नोट कर लेंगे।
आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। वृक्ष हमें जीवन देते हैं, कभी स्वयं फल ना खाते हैं, आतप वर्षा सब सहते हैं और प्रदूषण को भरते हैं। सदा करें हम इनकी रक्षा, हम भी अपना धर्म निभाएं। तो ये है हमारी कविता। और अब हमारा दूसरा पाठ है, ये भी इसका भी व्याकरण से कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन मनोरंजन के लिए, बच्चों का जोश बढ़ाने के लिए पहेली बूझो तो जाने, ये हमारा दूसरा पाठ। तो व्याकरण हमारा एक तरह से माना जाए तो पाठ तीन से ही शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो पहले पाठ एक गीत और दूसरा जो पाठ है बूझो तो जाने, जो कि पहेली है, ये हमें बच्चों के मनोरंजन के लिए ही दिया है, ताकि बच्चों का जिज्ञासा बढ़े, जोश बढ़े और नए जोश से हुए हिंदी व्याकरण पढ़े। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा पाठ। दूसरा पाठ है हमारा बूझो तो जाने। तो पहेली बूझी जाती है और पहेली हल करना किसे अच्छा नहीं लगता। पाठ दूसरा है हमारा बूझो तो जाने। बूझो तो जान, तो इसमें दे रखा है, इसमें उत्तर तो खुद ही दे रखा है। एक लाठी ऐसी जो रस से भरी, जाड़े की ऋतु में खेत में सीधी खड़ी। तो ये है हमारी पहली पहेली जो थी। एक लाठी ऐसी जो रस से भरी, जो रस से भरी, जाड़े की ऋतु में खेत में सीधी खड़ी, खेत में सीधी खड़ी। इसका उत्तर है ईख या गन्ना, हम लोग कह सकते हैं भाषा में। तो ये पहली थी, क्योंकि जो गन्ना या ईख होता है वे एक ऐसी लाठी होती है जो रस से भरी होती है, आपको पता है गन्ने का रस निकाला जाता है, और सर्दियों के मौसम में भी सीधी खड़ी रहती है। अगर आपने कभी गन्ने का खेत देखा हो तो जो ईख है या गन्ना है एकदम सीधा खड़ा रहता है, और वही वह ऐसी लाठी होती जो रस से भरी होती। तो ये कौन सा इसका उत्तर दे रखा था, चित्र के माध्यम से दे रखा था। तो ये है ईख। अब दूसरा है हमारी पहेली, दूसरी पहेली बहुत आसान है। ये कुछ पहेलियां काफी आसान है और इसमें चित्र भी बना रखा है, तो बच्चों को बूझने में कोई परेशानी नहीं है। चिड़ियों के उठने से पहले, चिड़ियों के उठने से पहले
जो जल्दी उठ जाता है, जो जल्दी उठ जाता है, नाम बताओ तुम उसका, नाम बताओ तुम उसका, जो खेत में अन्न उगाता है, जो खेत में अन्न उगाता है। ये बहुत ही आसान है। चिड़ियों के उठने से पहले जो जल्दी उठ जाता है, नाम बताओ तुम उसका, जो खेत में अन्न उगाता है। तो खेत में अन्न किसान उगाता है, सबको पता ही है, और किसान जो है काफ़ी परिश्रमी होता है अपने खेत की देखभाल करने के लिए, फसलों की देखभाल करने के लिए वह बहुत पहले उठ जाता है। कहते हैं कि जो चिड़िया सबसे पहले उठती हैं, लेकिन चिड़ियों से भी पहले किसान उठ जाता है, क्योंकि उसे अपने खेत की देखभाल करने, फसलों की देखभाल करने के लिए उनको पानी देना पड़ता है, पशुओं से चिड़ियों से बचाना होता है, तो उसका काम काफ़ी मुश्किल होता है, और वही अन्न उगाता है। तो इसका उत्तर है किसान। का उत्तर मैं लिख देता हूँ, वह व्यक्ति होता है किसान। तीसरी और अंतिम पहेली। टिक टिक करके चलती रहती, रुको न यह सिखलाती है, कल का काम आज ही कर लो, बच्चों तुम्हें बताती है। तो घड़ी ही है, टिक टिक करके घड़ी चलती है, आपको पता है। तो पहले मैं पहेली लिखता हूँ, और वे सारे बच्चे नोट कर सकते हैं जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, इसीलिए मैं पहेलियों को लिख के बता रहा हूँ। तीसरी पहेली, टिक टिक करके चलती रहती, टिक टिक करके चलती, टिक टिक करके चलती रहती, रुको ना रुको ना यह समझाती है, यह समझाती समझाती है कल का काम आज ही कर लो, बच्चों तुम्हें बताती है, बच्चों तुम्हें
बताती है। तो ये घड़ी के बारे में बताया गया है, टिक टिक करके चलती रहती। घड़ी क्या होती है? लगातार चलती रहती है और चलते समय आपने आवाज सुनी होगी टिक टिक करके चलने की उसकी। उनका क्या है, रुको ना, मैं यह समझाती है। घड़ी एक तरह से सबको प्रेरणा देती है कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, अपने काम पे हमेशा समय पे चलना चाहिए, जाना चाहिए। और एक तरह से समझाया करती है कि हमें आगे बढ़ना है जीवन में और तरक्की करनी है। कल का काम आज ही कर लो। तो कुछ लोग आलस करते हैं, भी कल का काम कल पे टालते हैं। तो घड़ी ही बताती नहीं, ये हमें प्रेरणा देती है कि जो कल का काम करना है उसे करो, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से समय बीतता जाता है। देखने में तो बड़ा टिक टिक करके लगता है कि बहुत धीरे धीरे समय बीत रहा है, लेकिन समय काफ़ी तेज़ी से बीतता है। यही बच्चों को ये बात बताती है, बच्चों को प्रेरित करती है समय पे उठने के लिए, समय पे काम करने के लिए, लगातार प्रयास करने के लिए। तो ये है इसका उत्तर, बहुत आसान है, आपको पता ही है। ये है घड़ी। घड़ी, तो ये थी हमारी तीन पहेलियां, आपने इसे नोट कर लिया होगा। एक और है, हमें चित्र देख करके बताना है कि इनमें क्या चीज होता है नहीं होता। पहला चित्र है सूरज का, तो इसको भी हम लिखित रूप से ही करते हैं। मुझे पता है आज बहुत से बच्चों के पास हिंदी व्याकरण नहीं है, जैसा कि बच्चों ने मुझे बताया है, तो मैं इसको लिखित रूप से ही करूँगा। है तो बहुत आसान, लेकिन हम लिखित रूप से ही इसे करेंगे। ये भी दूसरे पाठ का ही भाग है और अभी तक हमने व्याकरण नहीं शुरुआत की है। तो चित्र देखकर हमें क्या करना है, जो सही है उस पे सही का निशान लगाना है, जो गलत है उस पे क्रॉस का निशान लगाना है। तो चित्र देखकर सामने लिखे शब्द पढ़ो जो शब्द चित्र से मेल नहीं खाता, जो शब्द चित्र से मेल नहीं खाता, उस पर क्रॉस का चिन्ह लगा, चिन्ह लगाओ। हमारा ये है पहला चित्र है सूरज का, सूरज बहुत ही खुश है। तो इसमें से प्रकाश, पहला शब्द है प्रकाश, ये सही है, हमें पता है सूरज प्रकाश देता है तभी दिन होती है, तो ये एकदम सही है। दूसरा है हरा, नहीं है, हरे रंग का तो नहीं होता, ये गलत है, और हम इसके आगे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। धूप, एकदम सही है, सूरज से हमें धूप मिलती है,
ये सही है। अगला है ठंडक। नहीं भाई, सूरज तो हमें गर्मी देता है, तो ठंडक जो है ये गलत है। इसके आगे भी हमने क्रॉस का या गलत का निशान लगाया है। किरण, ये सही है। सूरज से ही किरणें निकलती हैं, सूरज से किरण निकलती है, ये सही है। और अंतिम है छाया। ये गलत, तो ये छाया जो है ये गलत है। सूरज हमें छाया नहीं देता, धूप देता है। तो एक बार फिर से देख लिया जाए, इसमें दो चीजें जो है, अरे छाया जो है ये भी गलत है, इस पर भी हमें निशान लगाना चाहिए क्रॉस का। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, सूरज से प्रकाश निकलता है, सही है। सही पे हमें कोई निशान नहीं लगाना, जो गलत है उस पे ही क्रॉस का निशान लगाना है। हरा, सूरज हरे रंग का नहीं होता, इसीलिए हमने इस पे क्रॉस लगाया है। सूरज से हमें धूप मिलती है, ये सही है। सूरज से ठंडक नहीं मिलती है, ये गलत है, तो इसलिए हमने इस पे क्रॉस का निशान लगाया है। किरण, सूरज से किरणें निकलती हैं, ये सही है। दूसरा है छाया, ये गलत है। सूरज से हमें छाया नहीं मिलती बल्कि धूप मिलती है। अब हम अपने दूसरे पे आते हैं, ये है वृक्ष। वृक्ष वाला जो है, वृक्ष क्या है, छाया, फल, रोशनी, रोशनी, फिर है फूल, फिर है दवाई और अंतिम है लकड़ी। तो हमें जान, वृक्ष जो होता है छाया देता है, फल देता है, रोशनी नहीं देता। वृक्ष से रोशनी नहीं मिलती है, फूल मिलता है, दवाई मिलती है और लकड़ी। तो ये केवल रोशनी ही गलत है, बाकी सभी चीजें सही है। हमारा अगला चित्र है, सैनिक का चित्र। नहीं, मैं बना रहा हूं, लिख देता हूं, सैनिक। सैनिक से हमें क्या मिलता है, युद्ध का मैदान होना। भाई सैनिक युद्ध के मैदान में जाते हैं, ये सही है। युद्ध का मैदान, दुश्मन, हाँ ये भी सही है। सैनिक जो होते हैं वो दुश्मन का सामना करते हैं। बंदूक, हाँ सैनिकों के पास बंदूक रहती है, ये भी सही है। घर, ये घर पे नहीं रहते सैनिक अधिकतर। और छाया, छाया गलत है। और मुकाबला, तो ये घर पे कम रहते हैं। चलो इसको तो गलत है, छाया गलत है और मुकाबला है सब सही। मुकाबला, इसमें एक ही मानते हैं, क्योंकि सैनिक घर पे भी आते हैं, तो घर सही। फिर से एक बार देखा जाए, युद्ध का मैदान, सैनिक का संबंध युद्ध के मैदान से भी होता है, दुश्मन से भी, बंदूक उसके पास रहती है, घर भी आते हैं, छाया नहीं देते। तो छाया के आगे हमने क्रॉस का निशान है। और मुकाबला, ये शत्रुओं से मुकाबला करते हैं, ये सही है। तो इसमें केवल छाया ही गलत है, बाकी सभी सही है। तो बच्चों ये था हमारा दूसरा पाठ। अब हम अपना तीसरा पाठ करेंगे, जो कल से शुरुआत इसकी करेंगे, भाषा, व्याकरण और लिपि। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे अपना तीसरा पाठ, कल से शुरुआत करेंगे, जो कि शुद्ध मायने में, सही मायने में हिंदी व्याकरण है। तो
तो आज के लिए बस इतना ही।